ये बड़ी खुशी की बात है। आज मंजिल बचाओ तहरीक के लिए निजामाबाद के दो मशहूर कारोबारी लोग, बिजनेसमैन और पढ़ा लिखे तबके से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शारुक रहमान साहब और हमारे नसीर रहमान साहब मंजिल बचाओ तहरीक के डिस्ट्रिक्ट सदर अब्दुल कादर साजिद साहब के साथ और हमारे मीर बशारत अली साहब के साथ आकर मंजिल बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार किए हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं और अल्लाह से पुरउम्मीद हूं कि अल्लाह ताला जिस तरीके से गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने जिन उसूलों की बुनियाद पर मंजिल बचाओ तहरीक का क़याम अमल में लाया गया है, हमारे शारुक साहब भी और हमारे नसीर अहमद साहब दोनों जने मंजिल बचाओ तहरीक में आए, हमारे सीना बा सीना लगाकर काम करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि तहरीक को और निज़ामबाद में फले फूले और बड़े करें। मैं हमारे शारुक साहब से और निसार साहब से नसीम साहब से उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत जितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, भैंसा, बोधन, निर्मल, इसमें आप लोगों के जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट्स है आगे बढ़कर काम करिए। अल्लाह ताला आने वाले बल्दी और असेंबली इलेक्शंस में मंजिल बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों को कामयाब हुए वैसा मेहनत करेंगे। हमारे सदर मोहतरम जनाब अब्दुल कादर साजिद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी जुस्तजू से ये आज ऐसे पढ़े लिखे लोग आकर तहरीक में मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे अब्दुल कादर साजिद साहब, हमारे मीर बशारत अली साहब ऐसे लोग जो मुसलसिल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम करने की वजह से अच्छे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे से। और उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे।